हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी। आज की इस बिरयानी में हम मेहनत कम करेंगे लेकिन टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज की ये जो बिरयानी है वो मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। बहुत कम समय लगेगा लेकिन एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। तो चलिए आज इस वेज बिरयानी की रेसिपी को शुरू करते हैं। कुकर में दम बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे एक प्रेशर कुकर पैन गरम किया है। इसे हम अच्छी तरह गरम हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तो बिरयानी बनाते वक्त जो हम ब्राउन अनियन यूज़ करते हैं वो पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल को अच्छी तरह हाई फ्लेम पे गरम हो जाने दें। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। तो प्याज के स्लाइसेस करके मैंने इसे ऐसे अलग अलग कर लिया है, मिला दें इसे। अब हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो एकदम ब्राउन ना हो जाए। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। और यहाँ पे प्याज का कलर जो है वो ब्राउन आ चुका है तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे। ये देखिए, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। बिरयानी के लिए प्याज कैसे फ्राई करते हैं उसकी रेसिपी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो वहाँ से देख के प्याज को और भी अच्छे तरीके से आप फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर और कम तेल यूज़ करी हूँ इस वजह से प्याज को मैंने इतना ही फ्राई किया है। तो यहाँ पर प्याज को निकाल लिया मैंने। तो प्याज को हमने यहाँ पे अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में जो तेल बचा हुआ है उसमें हम ये पनीर फ्राई कर लेंगे। तो सारी सब्जियाँ, पनीर, प्याज को मैं डायरेक्ट प्रेशर कुकर में ही फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे अलग किसी और पैन में फ्राई करके उसके बाद लेयरिंग जो है वो प्रेशर कुकर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने प्रेशर कुकर यूज़ किया है ये नॉनस्टिक नहीं है। अगर आप नॉनस्टिक यूज़ करेंगे तो पनीर जो है वो बेस में चिपकेगा नहीं। मैंने यहाँ पे ये एनोडाइज पैन यूज़ किया है जो कि नॉनस्टिक नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा बहुत पनीर ऐसे बेस में चिपकेगा। तो यहाँ पे पनीर को निकाल लिया मैंने। और यहाँ पे एक बार क्या करती हूँ, ये जो पनीर के स्क्रैचेस है इसे मैं हटा देती हूँ ताकि तेल जो है वो थोड़ा क्लीन हो जाए। अब हम इस बचे हुए तेल में, ये देखिए पनीर और प्याज तो हमने फ्राई कर लिया है, अब सेम तेल में हम गोभी, गाजर, बीन्स और आलू फ्राई कर लेंगे। तो जो भी सब्ज़ी आप यूज़ करना चाहते हैं सारी सब्जियों को यहाँ पर डाल दें और सब्जियों को ऐसे ढक के, मतलब आधा ढके, क्योंकि तेल के छींटे आते हैं और मेरा कैमरे का लेंस भी ख़राब होगा इस वजह से मैं थोड़ा ढक के प्रेफर करती हूँ। तो हम इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा गोल्डन दिखना चाहिए। तो सब्जियों को भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तेल में मैंने पहले प्याज को भुना, फिर पनीर को, और उसके बाद जितनी सब्जियाँ हम यूज़ करें उन सबको मैंने यहाँ पे फ्राई करके निकाल लिया है। तो ये सारी चीज़ें, फ्राइड आइटम रेडी हो चुकी है, इसे हम अलग रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल वापस डालेंगे। इसके बाद इसमें ये जीरा, तेजपत्ता, सूखा लाल मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और थोड़ा सा मैंने जावित्री लिया है, इन सबको ऐसे डाल दें तेल में। थोड़ा सा हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जैसे ये पक जाएगा हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो एक मीडियम साइज का प्याज मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसे हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो जब तक प्याज पक रहा है तब तक हम चावल को धो के रख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 ग्लास यानी कि 200 ग्राम के करीब चावल है, ये बासमती चावल यूज़ किया है मैंने। इसे हम पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे। तो चावल को मैंने सोख करके नहीं रखा है, बस ऐसे पानी से धो के रख दे जब तक हम अगला प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मिला देंगे इसे। अदरक और लहसुन को हम प्याज के साथ आधे मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसे ऐसे मिला दें। जैसे ही अदरक और लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो उसके पहले हमेशा की तरह गैस को कम कर दें और उसके बाद हम इसमें सारे मसाले यानी कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लास्ट में हम इसमें ये बिरयानी मसाला। तो मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का शाही बिरयानी मसाला यूज़ करें। तो 2 छोटे चम्मच यहाँ पे बिरयानी मसाला डाल दिया मैंने, मिला दे सबको। मसाला जब पक जाएगा तब हम इसमें दही डालेंगे। तो यहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो मसाला हमारा यहाँ पे पक गया है, अब हम इसमें दही डालेंगे। तो दही डालते वक्त ये टिप हमेशा ध्यान में रखें कि गर्म चीज़ों में दही नहीं डालें, नहीं तो वो फट जाती है। तो यहाँ पे दही को पहले अच्छे से फेंट लें। तो मसाला को ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ और इसे 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें। जब मसाला ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसमें दही डालें। तो यहाँ पे ये देखिए प्रेशर कुकर को मैं आराम से टच कर पा रही हूँ, मसाला ठंडा है। अब हम इसमें ये फेंटी हुई दही डाल देंगे। दही आप इसमें 1/3 कप या मैक्सिमम 4 बड़े चम्मच यूज़ करें। अब हम दही को मसालों में अच्छे से मिला देंगे। गैस मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है, पहले दही और मसालों को मिक्स कर लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सब्जी हमने फ्राई करके रखा है वो डाल देंगे। सब्जी और पनीर साथ में ही डाल दें। प्याज को हम बाद में यूज़ करेंगे, प्याज अभी नहीं यूज़ करें। नमक भी यहीं पे डाल दें आप।
इसके बाद इन सबको मिला दें। जैसे ही सब्जी मसालों में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, हम गैस को ऑन कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर दें और उसके बाद ऐसे मिला के हम इसे ढक के एक मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे पैन को कवर कर दें और एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दें। तब तक ये जो राइस हमने धो के रखा है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे मिला देंगे। राइस में नमक मिलाने से क्या होगा कि जो बिरयानी की राइस बनेगी वो एकदम सारे में नमक इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा सब्जी है वो मसालों के साथ थोड़ा सा पक गया है। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में, जहाँ पे हम लेयरिंग करेंगे। तो उसके पहले हम गैस को बंद कर देंगे ताकि सब्जियाँ जो है वो नीचे जले नहीं। अब हम इसमें पहले आधे ग्लास पानी, एक ग्लास चावल यूज़ किया है तो डेढ़ ग्लास पानी हमें यूज़ करना है। तो आधा ग्लास पानी पहले यहाँ पे बेस में डाल दें, इसे मिक्स नहीं करें, बस हल्का सा ऐसे घुमा दें। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता आधा स्प्रिंकल कर देंगे, जितना हमने यूज़ किया है। तो दोनों को ऐसे स्प्रिंकल कर दें। इसके बाद थोड़ा सा गर्म मसाला इसके ऊपर, ज़रा सा नमक, फिर ये भुना हुआ जो प्याज हमने रखा है ये आधा यहाँ पे डाल देंगे। बिरयानी ड्राई नहीं बने उसके लिए यहाँ पे एक बड़ा चम्मच घी डाल दें। इसके ऊपर हम राइस की ये लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे चावल को मैंने भिगो के नहीं रखा था, पानी से धो के 20 मिनट रखा है मैंने, जितने में ये प्रोसेस हो रहा था। तो यहाँ पे नमक मिलाया हुआ राइस मैंने ऐसे डाल दिया, इसे अच्छी तरह स्प्रेड कर दे बराबर। वापस हम इसके ऊपर और एक लेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता बचा हुआ है वो इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दें। और इसके बाद वापस से नमक और गरम मसाला हम फिर इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे ये ज़रा सा नमक, ज़रा सा गरम मसाला पाउडर, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसके ऊपर हम केसर डालेंगे। तो केसर को मैंने दूध में भिगो के रखा था, केसर इसमें ऑप्शनल है। केसर डालने के बाद हम इसमें एक बड़ा चम्मच घी वापस डाल देंगे ऐसे। इसे रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए मैं ज़रा सा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे ज़रा सा एकदम ऐसे फूड कलर मैं एक साइड डाल देती हूँ, सारी जगह पे नहीं मिलाए। इसके बाद थोड़ा सा स्पून से ऐसे स्प्रेड कर दें। आप चाहे तो इसे पानी में मिला के भी डाल सकते हैं। अब हम लास्ट में ये बचा हुआ जो भुना हुआ प्याज है ये इसके ऊपर बिछा देंगे ऐसे। तो सारी चीज़ें हमने असेंबल कर दी है, लेकिन पानी हमने अभी आधे ग्लास ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक ग्लास यानी कि डेढ़ ग्लास पानी हमें डालना था। तो पानी को ऐसे चारों तरफ बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर गैस को ऑन कर दें। इसे मिक्स नहीं करें, ध्यान रखें कि इसे मिक्स नहीं करना है। और इस बिरयानी को हम हाई फ्लेम पर एक सीटी तक पकाएंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम कम करके लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पर जैसे ही पहली सीटी लग जाएगी गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट पकने दें। दूसरी सीटी लगने नहीं दें, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं, मैं यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ। और उसके बाद प्रेशर कुकर को तुरंत नहीं खोलें, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें या फिर जब तक कुकर खुद ही ठंडा ना हो जाए। तो यहाँ पर प्रेशर निकल चुका है और यहाँ पर बिरयानी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा केवरा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोक या नाइफ से इसे एक बार चेक कर लें। अगर आपने मोटी राइस यूज़ किया है या फिर राइस नहीं पका हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के लो फ्लेम पे 5 मिनट तक आप इसे पका सकते हैं। जब भी आप बिरयानी बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर की राइस जो है वो थोड़ी सी ड्राई रहती है और नीचे की राइस ओवर कुक हो जाती है। तो उससे बचने के लिए नीचे की राइस को ऐसे किनारों से थोड़ा सा ऊपर कर दें, ऊपर की राइस को कवर कर दें और उसके बाद प्रेशर कुकर को बंद करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। उससे क्या होगा, नीचे की जो राइस है वो ओवर कुक नहीं होगी और सारे जो राइस है वो खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे एक बार मैं कैमरा जूम कर देती हूँ ताकि आप देख सकें कि चावल कैसा पका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे और ऊपर की जितनी भी राइस है वो इक्वली पकी हुई है। तो ये हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, सब्जी को हमने पहले से ही फ्राई कर लिया था प्लस एक सीटी लगाया है, तो सब्जी एकदम परफेक्टली यहाँ पे कुक्ड है। और यहाँ पे जो चावल हमने बनाया है वो एकदम खिले खिले अलग अलग दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितने टिप्स बताए हैं वो सारे आप फॉलो करें, आपकी बिरयानी जो है वो एकदम रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट बनेगा। तो ये हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है और मुझे खुशबू से तो रहा ही नहीं जा रहा है। तो एक बार टेस्ट तो कर लेती हूँ, अब पूरा खाने के बाद ही बाकी की बातें बोलूँगी। तो आज की बिरयानी तो खत्म हो गई, उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।